जी अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मामलात के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम में सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक तो कल शहबाज हुकूमत का पहला बजट आ रहा है और इस माजरत के साथ परसों जुमे के दिन शहबाज हुकूमत का पहला बजट आ रहा है, तो ये किस तरह का होगा, अवाम दोस्त होगा, इसमें किस किस्म का रिलीफ दिया जा सकेगा। लेकिन एक चीज जहन में रखनी पड़ेगी कि अभी तक IMF का प्लान पाकिस्तान को मिला नहीं है, अभी तक IMF के पैसे पाकिस्तान को मिले नहीं है। तो तवक्को ये की जा रही है माहिरीन की तरफ से कि शायद ये IMF का बजट अवाम के लिए बहुत टाइट हो और अवाम के लिए इसमें रिलीफ ज्यादा से ज्यादा शायद ना हो। और जो खबरें आ रही हैं वो कोई इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। मिसाल के तौर पे तरक्याती अखराजात में कमी की खबरें आ रही हैं, सेहत के बजट में कमी की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये बाजाहिर सिर्फ खबरें हैं। अभी जब तक बजट सामने आ नहीं जाता तब तक हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल एक चीज तय है कि IMF का प्लान हासिल करने के लिए बजट में टैक्सेस में मजीद इजाफा हो सकता है और एक टाइट किस्म का बजट आवाम को मिल सकता है जिसमें रिलीफ की कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए। लेकिन बजट से एक दो दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता होता है और जो इकोनॉमिक सर्वे आया है जाहिर है वो गुज़श्ता माली साल के हवाले से है जिसमें ज्यादा अरसा इमरान खान की हुकूमत रही है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक सर्वे है जिसके मुताबिक जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एक तरह की पार्शियल क्लीन चिट है या उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जी PTI ने अपने तमाम तर ज्यादा से ज्यादा अहदाफ हासिल कर लिए। मसलन मौशी तरक्की 4% थी, हदफ रखा गया था, लेकिन उससे ज्यादा रही, 6% तक चली गई मौशी तरक्की इमरान खान की हुकूमत ने। जरई तरक्की का हदफ भी हासिल कर लिया गया, इंडस्ट्रियल तरक्की का हदफ भी हासिल कर लिया गया, सर्विसेज सेक्टर तरक्की का हदफ भी हासिल किया गया। इस तरह मवासलात और दीगर सेक्टर्स हैं जहां पर अहदाफ हासिल किए गए। अलबत्ता महंगाई हदफ से बहुत ज्यादा रही, 13% का हदफ रखा गया था, लेकिन उससे भी क्रॉस कर गए इमरान खान की दौरे हुकूमत में। तो यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे है महंगाई को निकाल के बाकी मामलात के हवाले से शायद या क्या PTI की हुकूमत के लिए क्लीन चिट है। और अगर PTI की गवर्नमेंट वाकई इकोनॉमिकली इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो फिर इस गवर्नमेंट को निकाला क्यों गया, ये बड़ा अहम सवाल है। फिर आगे बढ़ेंगे, लोड शेडिंग के बहरान के हवाले से बात करेंगे। शहबाज हुकूमत एफर्ट्स कर रही है अपनी तमाम तर तवज्जो खासतौर पे वजीर आजम शहबाज शरीफ और जो उनकी टीम है कि लोड शेडिंग कम से कम हो सके, लेकिन अभी तक उसमें कोई खातिर खा इजाफा कमी नहीं आई। थोड़ी बहुत मामूली कमी आई है जो कि चले आवाम के लिए कम अज कम कुछ ना कुछ तो रिलीफ है। लेकिन सवाल आज ये करेंगे कि जो बिजली के बहरान पे तवानाई के बहरान पे काबू नहीं पाया जा रहा, ये वाकई गुज़श्ता हुकूमत की नालायकियां हैं, उनकी खराबियां हैं, या मौजूदा हुकूमत की तरफ से एक मिसमैनेजमेंट हो रही है चीजों की, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लस इमरान खान एक बार फिर मैदान में आ गए हैं और अब उन्होंने कह दिया है कि जी मैं लॉन्ग मार्च की तारीख दे दूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और एक तारीखी मार्च होगा। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मार्च कभी नहीं हुआ होगा। क्या इमरान खान वाकई दोबारा इस किस्म का मार्च कर सकते हैं या सिर्फ बातों की हद तक ही इमरान खान अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने लीडर्स को एंगेज रखेंगे। प्लस एक शौकत तरीन के हवाले से मामला सामने आया, उन्होंने कल एक प्रोग्राम में क्लेम किया कि उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बुलाया गया और उनसे मदद मांगी गई मुआशी मामलात में, लेकिन शौकत तरीन का कहना था कि मैंने वो मदद देने से इनकार कर दिया। जबकि जो हुकूमत के हलके हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारी टीम ने इनकार किया शौकत तरीन की मदद लेने से। तो मदद मांगी किसने, इनकार किसने किया, इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्लस इसी एस्टैब्लिशमेंट की मुलाकात के हवाले से फिर एक कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी गई। कुछ एक सहाफी, चंद सहाफियों ने अभी ये एक अफवाह फैला दी कि शौकत तरीन को शायद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि आप इमरान खान को छोड़ दें और शहबाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो जाएं। इसकी ना सिर्फ शौकत तरीन ने तरदीद कर दी है बल्कि ISPR की तरफ से भी तरदीद आ गई है। तो इस किस्म के तनाज़ात क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं, इस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कल पेट्रोल के हवाले से अफवाहें फैला दी गई, पूरे मुल्क ने देखा पैनिक किस तरह से हुआ, अब इस तरह से मदद लेनी है, नहीं लेनी है, किसकी लेनी है, किसको क्या कहा गया है, तो इस किस्म की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं और गवर्नमेंट इसको किस तरह से टैकल करने का इरादा रखती है। सो इन तमाम सवालात पे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ा जबरदस्त वर्दी पैनल आज मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सादिक MNA हैं,
साबिक वजीर मुमलिकत रह चुके हैं आबिद शेर अली साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, सेनेटर हैं जनाब निसार खोड़ो साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं फरूख सलीम साहब, मुल्क के मशहूर मालूम जाने पहचाने माहिर मुआशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आबिद शेर अली साहब, पहला सवाल आपसे, जो आज एक इकोनॉमिक सर्वे आया है वो लगता बजाहिर इस तरह से है कि पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए क्लीन चिट है, जितने भी तरक्की के अहदाफ थे वो तो सारे के सारे हासिल कर लिए गए सिवाय महंगाई के, महंगाई बहुत ज्यादा थी। तो क्या सिर्फ ये एक चार चीट थी इमरान खान को हुकूमत से निकालने के लिए, और महंगाई तो फिर आज आप लोगों की हुकूमत में भी वैसे की वैसी बरकरार है, मजीद बढ़ गई है? ये बहुत शुक्रिया गरीदा आपका, लेकिन आप जो क्लीन चिट की बात कर रही है, आपने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का बखूबी जायजा लिया कि मामला कहां से कहां तक पहुंच गया। आप एक तरफ सर्कुलर डेट देखें, जो जहां तक पहुंच गया आपकी सोच होगी सर्कुलर डेट जो इस वक्त कहां पे चला गया, पाकिस्तान के कर्जा जहाज कहां तक पहुंच गए, पाकिस्तान का गरीब सनतकार ताजर किसान सब लुट गए। आप वो मुझे जो ग्रोथ आप सर्वे करके बता रही हैं, जो बकौल फरूख सलीम साहब भी आपको जवाब देंगे, मैं आपको एक पूरा इहाता करके बात बता रहा हूँ जो हम लोगों को फील करते हैं, लोगों में रहते हैं, जो आप जो इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान में दूर की नहरें बह गई हैं के दौर में हर लोग खुशहाल थे, 60 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, 105 रुपए का डॉलर था, सारे पाकिस्तान के लोग एक सिर्फ चंद एक जो शोभा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सेक्टर थे, एक आध शायद उसने जरूर कोविड के दौर में जब पूरी दुनिया बंद होगी मतलब पूरी दुनिया के मुआशी मामला तबाह हो गए, वो एक चुनौर आया। जब आप पूरे साल को लेते हैं तो आप वो पूरे ईयर को काउंट करते हैं तो एंड तक उसको लेकर चलता है, तो आप कोविड का टेनोर देख लें। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो उसके अंदर जो बिजली 7 रुपए यूनिट थी 32 रुपए चले, और उसकी मेन वजूहत ये है कि ना ऑयल का मैनेजमेंट की गई, ना जो हमारा इम्पोर्टेड फ्यूल था जो हमारे पावर प्लांट्स के होता है गरीदा, उसको उसके लिए जो आर एल एन जी बेस्ड जो पावर प्लांट है ना आर एल एन जी, तो आप एक तरफ इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मुआशी इंडिकेटर्स ये हैं, और दूसरी तरफ आप जो जो आज मुआशी बम फोड़ रहे हैं लोगों पर, लोगों की सनतों के ऊपर, लोगों की जिंदगी के ऊपर, आप मुझे उसका भी तो हिसाब किताब दें ना फरीदा गरीदा, उसको हम किस पे तनाजर में लेंगे, जो बिजली की जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है कहाँ से कहाँ चले गई, जो 10 रुपए में होती थी वो चीज आज 50 रुपए में बनने जा रही है, क्योंकि इन्होंने टाइमली डिसीजन नहीं लिए, आर एल एन जी नहीं खरीदी, इन्होंने इम्पोर्टेड फ्यूल नहीं खरीदा, इन्होंने कोल इम्पोर्ट नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान का पट्टा बैठा दिया, और ये अब तमाशा कर रहे हैं कि ये सर्वे आ गया, ये सर्वे आ गया, पूरी एक ये ओपन हार्ट सर्जरी है, ये क्षेत्र ये पूरा स्ट्रेचर पे खुला पड़ा है बदन, ये कोई चीज छुपी हुई नहीं है, जो इन्होंने मुआशी एग्रीमेंट्स किए हैं आईएमएफ के साथ वो भी गरीदा आपके सामने है, वो मैंने ये एबीसीडी ने नहीं किए, क्या ऐसी मुआशी मजबूरियत थी जो पीटीआई ने स्टेट बैंक की सॉवरेनिटी को गिरवी रख दिया, पाकिस्तान के तमाम जो असासा जाते हैं उसको गिरवी ले गया, मास वाय जो हमारी एटॉमिक पावर है वो ही रह गई थी गरीदा गिरवी रखने के लिए, बाकी ठीक ठीक दूध आप ये अगर दूध की नहरों का जो जिक्र कर रहे हैं सर्वे के मुताबिक, तो इस्लामाबाद में बिल्कुल 2 मिलियन लोगों का मार्च हमें नजर आ जाता, पूरा पंजाब निकल जाता, किसान निकल जाते, ठीक है। आबिद साहब, थोड़ा सा स्काइप का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप करीब आ जाएंगे स्काइप के तो फिर आपकी आवाज ठीक आ जाती है, लेकिन जो आप एक जिस सर्वे के बारे में आप पूछ रहे हैं बार बार, ये कोई नॉर्मल सर्वे या जैसा रेगुलर सर्वे जो कि मुख्तलिफ इदारे कंडक्ट करते हैं ये वो नहीं है सर, ये इकोनॉमिक सर्वे है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होता है, तो वो मैं उसको कोट कर रही थी।
मुझे पता है रीता आप उसको कोट करिए, लेकिन मैं आपको जो स्क्रीन की पीछे जो चीजें हैं अब हमको बताना नहीं कि बिजली कैसे महंगी हो रही है, डॉलर कैसे ऊपर चला गया, हर चीज मुआशी मामला कैसे तबाह हो गए, जो खाद की बोरी की कीमत है जो 600% अद्वियात ऊपर चले गई, 600% खाद ऊपर चलेगी, आप मुझे बताएंगे किसान किधर जाएगा? जो आज पाकिस्तान के जो हमें जो हमारा सरी मुल्क है, आज हमारी ज़राअत कहाँ पे खड़ी है? दालों दालों से लेकर हर चीज हम दुनिया के बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमने तो अपने किसान का गला वाइट तौर पे फूट दिया। आप चंद एक सेक्टर, एक आधे सेक्टर को लेकर खरीदा, आप पूरे पाकिस्तान को ना लाए, चाहे किसान का हाल पूछे, उसकी फसल का आप ये देखे, तमाम जो सर्वे आप पाकिस्तान के लोगों से पूछे तो उनका, हमें तो 1.5-2 महीनों में मुजरिम ठहरा दिया गया, जो 4.5-5 साल जो गड़ा खोद के गए उसका हिसाब कौन दे? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपसे ये इन 1.5-2 महीनों का सवाल भी आगे चल के जरा मैं करती हूँ। सेंट्रल इंसार खोड़ा साहब, परसों शहबाज हुकूमत का पहला बजट आ रहा है जिसमें आप लोग भी मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं, इस बजट का बोझ आपको भी उतना ही बर्दाश्त करना है, करेंगे बर्दाश्त? और ये आप आवाम को रिलीफ का बजट देंगे या आप इसी तरह से वजाहतें देते रहेंगे कि जी पिछले 3.5 साल के मसले हैं, ये मसाइल हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं? आप मेरी बात तो जवाब तो दूंगा ना जी, उस पर मुस्कुरा के जवाब दूं तो बेहतर है। अच्छा देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान के 3-4 बजट कैसे आए, इमरान खान के पहले 90 दिन कैसे थे, ठीक, जब उन्होंने 90 दिन का चार्टर दिया था कि मैं यही करूंगा और वो फेलियर हो गए, बजट आया, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, टैक्सों का बार भी रहा अपनी जगह पे, ट्रेड डेफिसिट भी रहा, एक्सपोर्ट भी ज्यादा नहीं बढ़े, इम्पोर्ट ज्यादा बढ़ती रही, ये सब कुछ आपके सामने है, कोई मुझे बात करने की नहीं है कि 2 महीने में शहबाज शरीफ साहब ने कोई बड़ी बुरी बात कर दी है, ये है तसलसल। ठीक ठीक, हम इस रियासत के बंदे हैं, रियासत के हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उसको चलाने के लिए होती है रियासत को, कोई भी सियासी हुकूमत को कभी यह सूट नहीं करता कि वो तरक्याती मद में इजाफा न करे। ठीक, कर्जों पे तो ये चलता है मुल्क, इमरान खान भी कर्जों की पीते रहे, मैं वही चलता रहा उनके साथ भी, और अब यही कर्ज की मैं आप लोग भी पी रहे हैं और पिला रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा मुल्क, हाँ। मैं मुल्क के में अंदर रहते हैं और उस मुल्क के अंदर की आपको पता है कि कर्जों के अलावा बात चलती नहीं है, लेकिन ये मामला तो आप लोगों को अपोजिशन में होते हुए पता है ना, सब कुछ पता है अपोजिशन में होते हुए पता है ना, दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद द रिमूवल ऑफ इमरान खान और नॉट, वो अगर लोगों को तंग कर रहा था तो असेंबली के मेंबरान ने सोच विचार करके उसके खिलाफ कदम, लेकिन जो आज इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है वो कहती है सारे अहदाफ हासिल हो गए सिवाय महंगाई, और अगर मैं जवाब दूं उसका, आपने खुद ही कहा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बनाई है, ठीक है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ही पिछली दफा कुछ हदब मुकर किए थे, उस वक्त मैं NSC का मेंबर था, मैंने इमरान खान को कहा था कहीं इतने बड़ा टारगेट न रखो, पानी का मसला है, फला का मसला है, फला का मसला है, और तुम्हें इतना ऊपर टारगेट न रखना चाहिए, ये ना हो कि कल को तुम्हारा टारगेट पूरा ना हो सके। जीडीपी का टारगेट या एग्रीकल्चर का टारगेट? एग्रीकल्चर का ही बोला था मैंने। अच्छा। एग्रीकल्चर का ही बोला था, इसी दौरान एग्रीकल्चर पे असर हुआ है, फर्टिलाइजर महंगे होने की वजह से यील्ड कम हुई, इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो कम रही, उसकी कल्टिवेशन कम रही, ठीक है, शुगर केन और बाकी जो दूसरी चीजें वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, जिसमें पानी के मसले के हवाले से बात की गई है, कॉटन की कल्टीवेशन, पानी का मसला है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम, पानी का मसला भी कहूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बजट की किताब जो है उसमें लिखा होता है ऑफिसरों की तरफ से कुछ ना कुछ टारगेट बनाते हैं और एस्टिमेटेड टारगेट होते हैं, ठीक, ये सारे एस्टिमेटेड टारगेट होते हैं, कोई कन्फर्म बात नहीं होती, उसमें कोशिश करती है हुकूमत की कुछ बेहतरी आ जाए तो आ जाए, उसमें मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को जो टाइम मिला है, साल मिला है, 1.5 साल मिला है, उसमें इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में, मैं एक और बता दूं आपको, इमरान खान ने तरक्याती मद में पैसे रखे थे 900 अरब रुपए, ठीक है, 900 अरब रुपए चलते चलाते उन्होंने कट किया तरक्याती मद में और आ गई रकम 500 समथिंग, 500 समथिंग, लेकिन ओरिजिनली 900 रुपए, 950 अरब रुपए, 950 हो या जो कुछ भी हो, राउंड फिगर में बता रहा हूं,
तो इमरान खान साहब ने तरक्याती मद में जानबूझकर कटौती करके, और क्योंकि पैसा नहीं था इसलिए कटौती कर दी, और उसके बाद तरक्याती स्कीमें जो थी वो इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई। अभी भी यही सुनने में आ रहा है कि आपकी हुकूमत, मखलूत हुकूमत जो पहला बजट देने जा रही है, आप लोग भी तरक्याती अखराजात में कमी कर रहे हैं, मतलब सेहत में कमी करने जा रहे हैं। देखो ना, आप कह सकती हो ना, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बजट तो कल परसों आना है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने सिर्फ यही कहना है कि जी तरक्याती मद में पैसे रखने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए, जिसमें वाटर सेक्टर प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसमें एनर्जी सेक्टर होना चाहिए, और उसके बाद दूसरी जो सोशल सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये है, वो है, जो कुछ भी है। लेकिन हम हैं कर्जदार, हम हैं डेफिसिट में, हमारी एक्सपोर्ट कम, हमारी इम्पोर्ट ज्यादा। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया भाई, लग्जरी आइटम्स को बैन कर दो, इम्पोर्ट बैन कर दो, कितना फर्क करेंगे? इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, बिल्कुल इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। हमने, मैं समझता हूं कि हमें एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि नई इंडस्ट्री अगर लगती है तो वो भी 2-3 साल में लगती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में टैक्स की छूट दे दो, तो इमरान खान साहब बड़क मार रहे थे कि जी टेक्सटाइल में हमने इतना कमा लिया, टेक्सटाइल में हमने इतना कमा लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ रियायत दी, रियायत दी तो जाहिर है पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया और हो गई। तो एग्रीकल्चर हर 6 महीने देती है आउटपुट, हर 6 महीने क्रॉप का आउटपुट मिलता है जो इमीडिएट होता है, उसमें ज्यादा फोकस। हम कहते भी है ना, हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, अगर हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी कह रहे हैं तो फिर उसको फोकस में क्यों नहीं आना चाहिए? ठीक है, तो वो कोशिश करनी चाहिए। राइट, डेवलपमेंट फंड को एक कटौती ना करें तो बेहतर है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितनी किटी किटी में आपके पास कितना है, और ये जो प्रोविंसेस को है वो भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है ना। अगर प्रोविंसेस ने फैसला किया कि जी एनएफसी के अवार्ड में 57% सूबों को मिलेगा और 43% सेंटर को मिलेगा, तो इसमें भी बुरी नहीं है बात, क्योंकि वो भी मुल्क है, वो भी सारे सूबों मुल्क है, तो ये कटौती मजबूरन होती है। ठीक है, सो आप दोनों का, आपका, आबिश अली साहब का अपना अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फारूक सलीम साहब, आप बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, बीइंग अ माहिर, बीइंग एन एक्सपर्ट है, आपकी क्या राय है? जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है, क्या ये इमरान खान की हुकूमत के लिए क्लीन चिट है, एक्सेप्ट महंगाई के बाकी सारे अहदाफ उन्होंने हासिल कर लिए, या जिस तरह आबिश अली साहब ने डिफाइन किया है कि सर्कुलर डेट, कर्जा जात, बिजली की सूरत हाल, ऑयल इम्पोर्ट नहीं की गई, ऑयल मैनेजमेंट नहीं की गई, RLNG के मुआदे, और निसार खोड़ो साहब जिस तरह से कह रहे हैं तरक्याती बजट में कमी वगैरह, तो ये इन सारी चीजों को आप देख के किस तरह से बैलेंस करेंगे? जी हरीजा, 6% की GDP ग्रोथ जो है वो निहायत खुशाइन है, बड़ी अच्छी फिगर है, लेकिन टॉपिक फोकस जो है वो सिर्फ GDP की ग्रोथ के ऊपर नहीं किया जा सकता। तीन ऐसे हकाइक है, माशी हकाइक है, जो विरसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर को मिले हैं, और वो तारीखी तौर पे बहुत बुलंद तरीन। एक तो बजट का जो खसारा है उसका शायद आपने जिक्र नहीं किया, बजट का खसारा होने चला है कहीं 5,000 या 500 अरब रुपए, जो साल, ये माली साल खत्म होगा, तो 5,500 अरब का जो बजटरी खसारा है, ये पाकिस्तान की 74 साल तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। अच्छा, दूसरी दिक्कत यह है कि एक विरसे में चीज मिल रही है जो $50 अरब का तिजारती खसारा है, जो हमारे एक्सपोर्ट और हमारे इम्पोर्ट में डिफरेंस आ रहा है इस माली साल के आखिर में आपको पता चलेगा। मेरा तखमीना यह है कि कहीं 45 अरब से $50 अरब का ये तिजारती खसारा होगा, और दोबारा से ये पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तिजारती खसारा होगा। और फिर सबसे बड़ा जो खतरनाक मामला था वो ये था कि हमारे स्टेट बैंक के पास जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तकरीबन $10 अरब पड़े, यानी कि 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क और $10 अरब पड़े हैं उसके सेंट्रल बैंक के पास, जो 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट का कवरेज नहीं था। देखिए, आप और मैं अपने घर की जब प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास प्लानिंग है कि अगले 5-6 महीने का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं से कवर होना चाहिए। तो यहाँ 22 करोड़ अवाम का मुल्क और जो हिस्से में मिल रहा है वो $10 अरब मिल रहा है, जिससे आप 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा का इम्पोर्ट कवरेज जो है वो नहीं कर सकते। ठीक। अप्रैल की शुरू में, पहले हफ्ते अप्रैल में, आज 11 अप्रैल को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया, उससे पहले की जो आलमी मंडियों से खबर आ रही थी, जिस बुरी तरह पाकिस्तान की जो बॉन्ड है वो बेचे जा रहे थे,
उनकी यील्ड कहीं 27-28 फीसद पे चली गई थी। उसका पैगाम ये आ रहा था कि आलमी मंडी ये सोच रही है कि जून की 30 तारीख तक पाकिस्तान बनने चला है अनदर श्रीलंका, कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने चला है। सब तरफ से ये खबरें आ रही थी, जो आलमी मंडियां हैं वहां से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो डेंजर जोन में चला गया है और पोटेंशियल डिजास्ट्रस किस्म का एक डिफॉल्ट हो सकता है। तो हालात जो छोड़ के गए थे पीटीआई की हुकूमत, जो 4 साल की उसकी माशी पॉलिसीज थी, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को तो नियर डिफॉल्ट में चले गए। और फिर जो अभी थोड़ी देर पहले शायद गर्दिशी कर्दे का जिक्र हुआ, मुझे याद है कि अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, उस वक्त जो टोटल गर्दिशी कर्दा था बिजली के सेक्टर में वो 1100 अरब का था, आज वो 2500 अरब पे पहुंच गया। तो 1100 से तकरीबन 3.5-4 सालों में हम 2500 अरब पे चले गए। और गर्दिशी कर्दे जिनके ऊपर फोकस नहीं रहता, हम हमेशा बिजली के ऊपर फोकस कर देते हैं, गैस के सेक्टर के अंदर एक नया गर्दिशी कर्दा घटना शुरू हो गया और वो पहुंच गया है तकरीबन 1000 अरब। कहा जा रहा है कि तकरीबन $4 बिलियन की गैस जो है वो इस मुल्क में या लीक हो जाती है या चोरी हो जाती है। और एक और बहुत बड़ा गर्दिशी कर्दा सामने आया है जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल की नजर में सामने आया। अब ये रियासती इदारा है और इस एक कंपनी के अंदर तकरीबन 1000 अरब का एक नया गर्दिशी कर्दा खड़ा हो गया। ठीक, आपका जवाब मुकम्मल हो गया। यहीं पर इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अगर मामलात इतने गंभीर हैं, इतने खराब हैं, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ बार बार मीसाक के मईशत पे जोर दे रहे हैं, लेकिन वजीर आजम के बार बार के इस ऑफर का पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे या जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उन पर कोई असर पड़ नहीं रहा, उनकी तरफ से कोई इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। तो मीसाक के मईशत कितना जरूरी है और हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो इस वक्त मुआशी हालात हैं इनको सामने रखते हुए गवर्नमेंट प्रैक्टिकली कितना सस्टेन कर सकती है, इन सवालों पे जवाब लेने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर निसार खोड़ो साहब, फारूक सलीम साहब और आबिद शेर अली साहब। आबिद साहब, आपने पहले सवाल के जवाब में तफसील से बता तो दिया था कि जी ऑयल के मैनेजमेंट, ऑयल की खरीद में ताखीर, RLNG मुआहिदों का मामला, वो सारा आपने बड़ी तफसील से बता दिया था। लेकिन इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और हम सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि जब आप इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे तो आपने बड़े जबरदस्त और बड़े कलील वक्त में जो है लोड शेडिंग के बहरान पे काबू पा लिया था, तो इस वक्त क्या वजह है? इस वक्त सिर्फ ये तेल ना मिलने की वजह है या कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट भी है, बद इंतजामी भी है हुकूमत के पार्ट पे? देखिए, इसमें गरीदा पहले तो गैस मुयसर नहीं है हमारे 2 पावर प्लांट पे, वो भी महंगे तरीन फ्यूल पर रन करने पड़ रहे हैं। उसके अलावा जो ऑयल इंपोर्ट करने की LCA थी वो भी बैक आउट कर गई, ऑपरेट की थी सब बैक आउट करके। उन्होंने कहा जी कि अगर हम इसे थ्रू करते हैं तो हमें इसे डबल नुकसान होना पड़ेगा और आप जो हमारे फंड हैं आप उसको कॉन्फिस्केट कर दें। 37,000 किस्म के मिसाइल हमारे दौर में रीता देखे 24,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में मौजूद थी। बदकिस्मती से जो इमरान खान की 4.5 साल हुकूमत रही है उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमारा जो 1,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट था कासा 1000 जो किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ था, वो भी सिस्टम में 2022 में आ जाना चाहिए था, बदकिस्मती से वो भी अभी तक नहीं है। तो मैं आपको शॉर्टेज हमारी फ्यूल की है, कुछ मैनेजमेंट बेहतर करने की जरूरत है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको जरा फील्ड में जाके देखने की जरूरत है, हमारी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो हाई लॉसेस पर रन कर रही हैं, उनको देखने की जरूरत है, उनको मॉनिटर करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि लोड मैनेजमेंट के जरिए भी हमें बदरीज लोड शेडिंग पर काबू पा सकते हैं, लेकिन जो दुरानिया है इस वक्त लोड शेडिंग का वो 3 से 4 घंटे है, जो मैं उसको हकायक को छुपा नहीं सकता। देहातों में भी एक आधा घंटा ज्यादा हो, लेकिन जो अर्बन एरिया है वहां पे जो लोड शेडिंग का दुरानिया है वो 3 से 4 घंटे मौजूद है। हम इसे जो फ्यूल है, फ्यूल मैनेजमेंट के जरिए,
जो हमारे 2500-3000 मेगावाट सिस्टम से आउट है। देखें इस पर इन्होंने मेंटेनेंस जो होती है खरीदा पावर प्लांट्स की, उसकी भी टाइमिंग होती है। और हमारे दौर में हम बिफोर टाइम जो जब हमारा समर सीजन होता था उससे बिजली भी कम होती थी, लेकिन हम अपनी मैनेजमेंट के जरिए हम जो अपनी जो मेंटेनेंस है पावर प्लांट्स की बिफोर टाइम करते थे, ताकि हम जो समर में जो हमारी डिमांड ज्यादा होती है ताकि हम उसको मैनेज कर सके। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको भी देखना होगा, इस सेक्टर को भी, कि जो डिले हुए हमें उसे पब्लिक करना चाहिए, हमें फैक्ट्स और फिगर्स को लाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों में मजीद बेहतरी आएगी, मैनेजमेंट के जरिए खरीदा इसको बेहतर किया जा सकता है। और जो हमारे जो फ्यूल है, जो कोल है, साहिवाल पावर प्लांट है, पोर्ट कासिम पर हमारा पावर प्लांट है, जो कोल की जो इम्पोर्ट है वो अब 3 times हाई हो गई है उसकी कॉस्ट, क्योंकि पिछली हुकूमत ने उसकी उसको एक्वायर नहीं किया कोल को। इसी तरह RLNG है, फिर आप कहते हैं कि हम पिछली हुकूमतों को रोकते हैं, तो ग्रीडा को जो फ्यूल मैनेजमेंट है वो तो उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। नदीम बाबर के जो स्कैंडल्स आए, जो मामलात हैं, उसको आप छुपा नहीं सकते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह। लेकिन आबिद साहब आप लोग आए हैं 11 अप्रैल को, 10 अप्रैल तक मुल्क में लोड शेडिंग की इतनी बुरी सूरत हाल नहीं थी जितनी 11 अप्रैल के बाद से शुरू हुई है, तो ये क्या वजह है? क्या सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो तेल इंपोर्ट खत्म हो गई? और सुन लें, टेक्निकल रीजन देता हूं मैं, क्योंकि मैं इस वजारत में रहा हूं ग्रीदा, मई में डिमांड इतनी हाई नहीं थी, सफिशियंट वो मामला थे। अच्छा। लेकिन इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग के साथ जो जून जुलाई अगस्त हमारी पीक डिमांड जाती है वो 26-28 हजार मेगावाट तक जाती है, जब इंडस्ट्री रन करती है, बाकी मामला है तो ग्रेजुअली डिमांड पीक पे जाती है। जो पीक डिमांड है वो 26-27 हजार मेगावाट है, जिसमें डिमांड सप्लाई का 1.5-2 हजार मेगावाट का शॉर्टफॉल आ जाता है, जब आपकी 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 प्रोडक्शन उतनी ना हो जितनी आपकी डिमांड आ जाती है। तो वो गैप को ब्रिज करने के लिए हमें लोड मैनेजमेंट के जरिए इसको मैनेज करना पड़ता है, जो मैनेजेबल है, जिसमें हम बड़े बड़े शहरों को, इंडस्ट्री को हम लोड शेडिंग से कम रखते थे, और इसको जो पैराफ्री होते थे जहाँ पे हाई लॉसेस फीडर होते थे हम वहां पर दबा कर लोड शेडिंग करते थे, क्योंकि वो राइट भी बनता था। तो ये जो डिमांड जो आप मई की बात कर रहे हैं, मई में डिमांड जुलाई की डिमांड में 3-3500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, क्योंकि जो हमारे डैमो में पानी आता है वो भी जो मेल्ट होती है हमारी जो स्नो है, उसके बाद जो पानी आता है डैमो में, तो वो फ्लो त्रिबेला में आता है, मंगला में आता है, जो बदतरीज हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है। तो ये मामला आपको कहा कि इंशाल्लाह ताला जून के एंड तक इनमें बहुत हद तक काबू पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप एडमिट कर रहे हैं आबिश अली साहब कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिसमैनेजमेंट भी मौजूद है, तो उसके लिए क्विक फिक्स, उसके लिए आबिश साहब क्विक फिक्स क्या है आपकी नजर में? और आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है लोड शेडिंग बहरान पे काबू पाने के लिए, वो राइट डायरेक्शन में है आबिश साहब? बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे है, शिवाश्री साहब ने खुद माशाल्लाह बड़ी उनको नॉलेज है इन चीजों का, उन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर बिकी हवेली बादशाह बल्लो की और साहिवाल कोल पावर प्लांट, जिससे पाकिस्तान में 4200 मेगावाट बिजली पैदा हुई, और सिर्फ वो उन्होंने 26 माह में वो कर दबाया, जिसको हम शबाज स्पीड कहते हैं, ये उन्हीं के कारनामे है, उन्हीं की शबो रोज मेहनत का नतीजा है कि जो आज पाकिस्तान में वाफर बिजली हमारे पास है। लेकिन मैं उसका कुछ हमारे मेंटेनेंस की वजह से पावर प्लांट में इश्यूज आ रहे हैं, वो मैंने आपको कहा कि वो मैनेजेबल है, वो आने वाले इंशाल्लाह 3-4 वीक्स के अंदर बिल्कुल ठीक। आपने बड़ी वजाहत के साथ रियली अप्रिशिएट दैट, और मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगी, हमेशा कहूंगी कि जब आप इस मिनिस्ट्री में थे आपने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया, एंड आई विश एंड आई होप कि मौजूदा गवर्नमेंट भी आपके इस एक्सपर्टीज से फायदा उठाए ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। फारूक साहब, आप एग्री करते हैं आबिश अली साहब की गुफ्तगू से, या जैसा कि आज इमरान खान ने कहा कि 2 महीनों के अंदर इस हुकूमत ने तबाही फेर दी है, इतनी लोड शेडिंग तो हमारे दौर में भी नहीं हुई थी, हमने सारे मुआहदे टाइम पे किए थे, यानी कि पिछली हुकूमत का वही मौकफ है कि जी हमारी कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मौजूदा सेटअप कह रहा है कि ये सारी खराबियां ही पिछले गवर्नमेंट में थी, तो वेयर डज द ट्रुथ लाई देन फारूक साहब?
जी जनाब फारूक साहब, मैं नवाज शरीफ साहब फारूक साहब का जवाब दे लूं फिर आपके पास आता हूं। ओके जी फारूक साहब। जी फरीदा, सप्लाई चेन है पावर सेक्टर का, आपने यहाँ के एलएनजी के सौदे करने हैं, उसके बाद वो एलएनजी वहां से चलाई जाएगी फिर आप तक पहुंचेगी, वो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते का सप्लाई चेन कहलाता है। अच्छा। यानी कि आपको अपना पावर प्लांट चलाना है तो आपको कम से कम 6 से 8 हफ्ते चाहिए, उसके बाद कोई आपकी हिकमत अमली जो है उसके नतीजे सामने आएंगे। ठीक। अभी ये हो रहा है, हमारे पास एलएनजी के बहुत बड़े प्लांट्स हैं, एलएनजी की शॉर्टेज है, पिछली हुकूमत जो है वो एलएनजी खरीदने में नाकामयाब रही है। दूसरी वजह ये है कि कोयले के बहुत बड़े प्लांट्स हैं, बंद पड़े हैं या बहुत कम कैपेसिटी पे चल रहे हैं, बिकॉज पिछली हुकूमत ने एक वादा किया था चाइनीज से जिसमें एक रिवॉल्विंग फंड की क्रिएशन थी कि आपके जैसे ही बिल आएगा वो पे कर दिया जाएगा। इस वक्त तकरीबन प्लांट के हवाले से कुछ 300 अरब रुपए के बिल पड़े हैं, इसलिए हमारे कोयले के प्लांट जो है वो भी कैपेसिटी पे नहीं है। और तीसरी बहुत बड़ी वजह ये है जिसको टेक्निकली कहते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट, अभी हम ऑयल अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने बिजली के प्लांट चलाने के लिए तो जो बैरूनी बैंक्स हैं वो हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म नहीं कर। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है, स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं है कि वो ऑयल खरीद सके और बिजली के प्लांट सप्लाई कर सके। okay. तो हुकूमत का कहना है कि वो शायद चंद हफ्तों में लोड शेडिंग कर देगी, मैं समझता हूँ कि वो दूर नहीं हो पाएगी, जुलाई के पहले हफ्ते से पहले, क्योंकि अभी तो खजाने के पास डॉलर नहीं है। अगर हम IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं, चीन, सऊदी अरेबिया, कतर, उनकी तरफ से कुछ पैसे आना शुरू हो जाते हैं, जुलाई के पहले हफ्ते ये काम शुरू होगा। ठीक है, ठीक है, आपने एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। सेंटर निसार खोड़ साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ बार बार कह रहे हैं मिसाक-ए-मईशत करें, मिलके बैठे। खबरें ये भी आई कि एस्टैब्लिशमेंट ने मिलके सबको बिठाया, अभी शौकत तरीन को बुलाया, शौकत साहब ने खुद कहा कि जी मुझे बुलाया गया, मिफ्ता इस्माइल भी थे वहां पे, रजा बाकिर थे वहां, तारिक बाजवा भी थे, लेकिन शौकत तरीन ने मदद करने से इनकार कर दिया। अब जाहिर है उन्होंने इमरान खान के उस पर किया होगा ना। मैं गुजारिश करूँ कि जब PTI की हुकूमत आई थी उस वक्त की जो अपोजिशन थी जिसमें जरदारी साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे और दूसरे थे, उन्होंने पहले ही तकरीर में ये कहा था कि हम आपके साथ मीसा के इकोनॉमी पर बैठ के बात करना चाहते हैं, आप हमारी बात भी सुनो, आप अपना अकल भी इस्तेमाल करो, कलेक्टिव विजडम में हमेशा कहीं ना कहीं अच्छाई निकलती है। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने हमें रद्द कर दिया, उसने कोई इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और फिर ये पोलराइजेशन हो गई, गाली गलौज और हाथ मिलाने से भी हम दूर हो गए। ठीक है ना, तो ये बात तो अपनी दौर पे कौम को डिवाइड करने के लिए कोशिश जो थी उसका नतीजा हमें कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। इसी वजह से हम वो इसी पुरानी बात को रिपीट कर रहे हैं कि कम से कम हम कह तो रहे हैं, हुकूमत में बैठकर भी हम कह रहे हैं कि हमें विजडम की जरूरत है, कलेक्टिव विजडम की जरूरत है, इनपुट की जरूरत है। हम कभी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, कभी किसको बुलाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इमरान खान ने तो बजरिया शौकत तरीन इनकार कर दिया ना, वो कह रहे हैं कि जी आपने हमें निकाला ही बिला वजह, हम क्यों बैठे हैं आपके साथ। आराम से, ये शौकत तरीन साहब सुबह पहले दिन से नहीं है, ये चौथा था। ठीक है, नहीं करे ना, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक कर दिया था, ये शौकत तरीन का मौका है ना। अभी कुछ तरह बोल डिबेटेबल है, डिबेटेबल। मैं पूछ रहा हूँ कि इतना सारा कर्जा उठाने के बाद तरक्याती फंड में कटौती क्यों की। ठीक है, आप पहले भी इसका कह सकता हूँ ना, मैं कह सकता हूँ क्यों कटौती की। लोगों को तो तरक्की चाहिए और तरक्की में ऐसी चीजें चाहिए जो कल के पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, तो क्यों कटौती की, पैसे किधर गए, कहां से कर लिया और किधर खर्च किए, तनख्वाहों पे, पावर प्लांट की भी बात निकली कि पैसे नहीं है इसलिए हम तेल इंपोर्ट नहीं कर सकते, हो सकता है हकीकत हो, लेकिन ये 3 साल में क्या हो रहा था, क्यों लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म क्यों नहीं हुई थी, जब खुद कहते थे कि हमारी जितनी हमें जरूरत है हम उससे ज्यादा पैदावार सलामत रखते हैं, जो ये कहते थे कि हम प्रोडक्शन हमारी ज्यादा है, तो पीछे कहते थे कि नून लीग इतनी बिजली बना गई है हमारी डिमांड ही नहीं है, हम क्या करें उस बिजली का। वही कह रहा हूँ, क्या इमरान खान ने कोई नया पावर प्लांट लगाया, नहीं लगाया, नहीं लगाया, तो फिर क्या मसला था कि जी सारी कटौतियां होती रही। बात ये नहीं है कि शौकत तरीन साहब को किसी ने बुला के ये कहा कि ये करो वो करो, वो सेनेटर हुए हैं PTI से, तो सेनेटर होके किसी और को क्यों जाएंगे, लेकिन इनपुट तो दे सकते हैं, कोई भी इनपुट दे सकते। अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सारे मिलकर बैठ सकते हैं तो बुरी बात नहीं है इसमें, हम इमरान खान की तरह नहीं होना चाहते कि कहते कि तुम तो बेकार हो, हम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। 3.5 साल में लोगों ने तंग आकर कुछ कहा,
एक दफा, दूसरी दफा, तीसरा, हम पहले 90 डेज के बाद भी हम शुरू हो रहे थे कि इमरान खान नहीं चलेगा, फिर रोका गया, हमारी पार्टियों ने रोका कि जी बहुत जल्दी है, इसको जरा चलने दें, इतनी जल्दी से इसके पीछे न पड़ जाए। लेकिन उसके निकालने की शुरुआत तो 90 दिन के बाद भी शुरू हो गई थी, वो बात नहीं, हमने उसका सबर किया, लेकिन लोगों की क्राह, लोगों की ईजा, लोगों की आवाजों पर हम कान बंद तो नहीं कर सकते थे ना। अगर लोग कह रहे थे कि हम मर रहे हैं, हम बच्चे बेच रहे हैं, हम अपने उजू बेच रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ घर चलाने के हो, तो अगर हमने उनके रिस्पांस में निकल के आए और किया हुकूमत का मुकाबला और लोगों को मिलाया, पार्टीज को मिलाया और अगर फैसला कर दिया, तो उसमें हमें कितनी खार खाने की जरूरत नहीं है कि हमने क्यों उसको निकाला। वो तो अभी एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है, वो बैठ के खुल्लम खुला एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है मेरे मदद करो, नहीं तो मुल्क तबाह हो जाएगा, नहीं तो एटमी ताकत खत्म हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारी आर्मी खत्म हो जाएगी, नहीं तो तेरा से मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो उनके साथ खुल के बोले जा रहा है, आप उनकी बात करने नहीं है। शौकत तरीन को बुला लिया तो उसकी बात आप कर रही हैं, जो खुद बोल रहा है बैठ के। ये सियासी लीडर का काम है, ये सियासी पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि वो इस तरह की बातें करे। फिर पाकिस्तान का पेट्रियॉट होने की बात अगर वो कर रहा है तो फिर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। फिर पीटीआई ने भी एतराज उठाया ना कि बिलावल भुट्टो का भी वो सिंधु देश का बयान मौजूद है जिसको डिफेंड किया सिंध असेंबली में मुराद अली शाह ने। कौन सा बयान दी? ये अगर हमें हमारे हकूक नहीं दिए जाएंगे तो पहले बांग्लादेश बना था, फिर अब सिंधु देश बन जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी पोलराइजेशन की वजह से तो बांग्लादेश बना था, जब आप कहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग हम पर बार हैं, हम पर बार हैं, माफ कीजिएगा आराम से, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे बांग्लादेश हम पर बार है, क्यों कहते थे हम, उसने कहां से कहां पहुंचा दिया पाकिस्तान को, टूट गया पाकिस्तान, अब वो हमसे बेहतर हो गए, हम अभी तक वहीं खड़े हैं। इसलिए कलेक्टिव विजडम बेहतर होता है। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की, 2008 में भी कलेक्टिव विजडम के साथ हम आगे चले थे और 5 साल हम चल सके थे। मैं नहीं समझता कि कोई सियासतदान इस तरह की बैठ के बात करे और कहे कि मैं पेट्रियॉट हूं, पेट्रियॉट नहीं है अगर वो इस तरह की बातें नहीं करता। बजट के खसारे पाकिस्तान का पता है कि हम सब कर्जों पे चलते हैं, इमरान खान भी कहता था, मुफ्ता इस्माइल भी कह रहा है कर्ज। अब मैं क्या बैठ के याद कराऊं, क्या कहा था इमरान खान ने, आईएमएफ से जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। तो आप लोग भी तो आप लोग भी तो ताने देते थे कि ये आईएमएफ की गवर्नमेंट है, आप लोग आईएमएफ के खिलाफ थे, लेकिन अब आप लोग खुद आईएमएफ के मौजदे में जा रहे हैं। साहब की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों ने उसको इमरान साहब की बात नहीं कर रहा हूं, इस मुल्क की बात कर रहा हूं, इस मुल्क को चलाने के लिए आईएमएफ के मुआहदे को गलत कह रहे थे, मुल्क को चलाने के लिए तकालीफ हैं, अगर आईएमएफ पास न जाते तो तुम्हारे तो पास कुछ नहीं था। सर यही बात इमरान खान कहता था, तो ठीक है कि मुल्क को चलाना, पहले क्यों कह रहा था कि मैं खुद कुछ कर लूंगा, पहले क्यों कहता आप लोग भी तो आईएमएफ के खिलाफ, पहले क्यों कहता था खुदकुशी, बहुत बड़ा लफ्ज है खुदकुशी करना, बहुत बड़ा लफ्ज है, पहले क्यों करता था, उसको पता नहीं था क्या, उसको पता नहीं था कि पाकिस्तान की क्या बात है, 22 साल की जद्दोजहद में उसको पता नहीं था कि पाकिस्तान क्या है। करते थे ना, वो एमएनए भी रहा है एक दफा 2002 में, एमएनए भी रहा है, उसको पता है कि क्या था पाकिस्तान की हालत। तो सर अब हुकूमत कशकोल तोड़ देना आईएमएफ का, ठीक है अपनी जगह, अभी आईएमएफ के पास जाना ठीक है। मैं कह रहा हूँ हुकूमत किस पे चली, इमरान खान साहब ने कौन सी बड़क मारी, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर ले आया, यूएई से 2 अरब डॉलर ले आया, चाइना से 4 अरब डॉलर ले आया डिपॉजिट रखने के लिए, क्या बात कर रहे हैं आपकी हुकूमत के पास भी यही स्ट्रेटजी है, इसके अलावा और कोई डिपॉजिट पड़े हुए हम उनको कह रहे हैं कि अभी वापस ना लो, हम तो यही कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना। सर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, आपकी इजाजत एक ब्रेक लेते हैं, लज़े का शॉर्ट क्विक ब्रेक, सैनिक निसार खोड़ो साहब, आबिद शली साहब और फारूक सलीम साहब मौजूद है, देन कम बैक। जी वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद शली साहब, सेंटर निसार खोड़ो साहब और फारूक सलीम साहब। आबिद शली साहब, मिसाक मईशत पर आप जोर देते हैं, ठीक है एक अच्छी बात है, आप पार्लियामान के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग की, पार्लियामान से बाहर भी एक ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप मिसाक मईशत की आड़ में या मिसाक मईशत का नाम लेके आप साबिका हुकूमत से मईशत के हवाले से मदद मांग रहे हैं, शौकत तरीन से मदद मांगने का मतलब फिर ये बनता है ना, जिसमें उन्होंने इनकार भी कर दिया, वो ऑन रिकॉर्ड ले आए कि मुफ्ता इस्माइल भी उसी मीटिंग में मौजूद थे, इसका मतलब है कि आप लोगों से आपकी गवर्नमेंट से मईशत संभाली नहीं जा रही। फिर देखिए अगरीदा इस आकार साहब के होते हुए हम इस नलायक शौकत तरीन का क्यों पूछे गए, पहले तो मुझे ये बताएं, इस आकार साहब को भी वापस आकर यहाँ पर हमारी तो ख्वाहिश है कि वो भी मुल्क में तशरीफ लाएं और जो उनके रुकावटें हैं उनकी तरफ मफाद के लिए इस आकार साहब को आने देना चाहिए और मुल्क
मईशत की बेहतरी के लिए उनको अपना किरदार अदा करने देना चाहिए। तो इस हकदार साहब को होते हुए हम इन नलायकों को क्यों हाथ लगाएंगे, हमें क्या जरूरत है। हम मिसाल की देखें, डे वन शहबाज शरीफ साहब जब बिगेस्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उन्होंने कहा था कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए, हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई इलेक्शन में, इसके बावजूद हमारे शदीद तहफ़ुज़ात हैं, उसके बावजूद हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये होते हैं स्टेट्स में, और उधर से आवाज आई शहबाज शरीफ को अंदर कर दो। जब हमने कहा जी आप इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दें, नवाज शरीफ साहब की एसी उतार दें, फिर हमने बात की जी कि आगे आप इस्लाहत करें, मरियम नवाज को हथकड़ी लगा दें। ये तो उनका एटीट्यूड था, इस एटीट्यूड से ये उठते थे कि सुबह शहबाज शरीफ को पकड़ना है, शहजाद अकबर को 32 अरब रुपया दे दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट का वहां पर बरतानिया में, उसका जिम्मेदार कौन है जो नैप उठाकर आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। अगर ये चीजें ना की होती, एक मुल्क के वसीत और मफाद के लिए शहबाज शरीफ की उस ऑफर को लिया जाता तो मुल्क आज आगे बढ़ता। लेकिन आबिद साहब आपने शौकत तरीन का बयान सुना होगा कि जी मुझे बुलाया गया मुलाकात के लिए, उनका जिक्र एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था, उस मुलाकात में मिर्ज़ा इस्माइल भी मौजूद थे। अब एस्टैब्लिशमेंट ने अगर मईशत में मदद मांगने के लिए शौकत तरीन को बुलाया है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन पे बुलाया होगा ना, या गवर्नमेंट से कंसल्ट किए बगैर बुलाया। देखिए मैं फरीदा आपसे तो खास करूंगा कि अदारों को जरा साइड पे कर देना जी, हम हर बात में एस्टैब्लिशमेंट में हर चीज को अपने बीच में ले आते हैं, उनको जरा मेहरबानी करके हमारी सियासी गुफ्तगू से पीछे कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बारहा कहा है कि हमें सियासत में ना घसीटें, सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। बार बार ये उनको वजाहत देनी पड़ती है, कभी शौकत के बयान पर वजाहत देनी पड़ती है, कभी इमरान खान के बयान पर वजाहत देनी पड़ती है, कभी शेख रशीद के बयान पर उनको वजाहत देनी पड़ती है, कभी जो परसों जो चंद जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्रेस टॉक की, उन पर वजाहत करनी पड़ती है। ये मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करना चाह रहे हैं आप मुल्क को किस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? आप कभी कहते हैं कि खूनी मार्च हो जाएगा, कभी आप कहते आप चाहते हैं कि जब हम इक्तदार से बाहर चले जाएं तो सारा कुछ तहस नहस कर दें, आप जब इक्तदार में हो जाएं तो आप ऑपोजिशन के लोगों को फांसियों पे चढ़ा दें, एग्जाइल पे भेज दें, निहत्ते लोगों को जेलों में डाल दें। क्या आप लोगों को ये इक्तदार, किसने आपको ये हक दे दिया? आप मुल्क के वजीर आजम है कि आप थाने के मुंशी हैं जो उसको पकड़ दें। मैं उधर अमेरिका में कहता है, यूनाइटेड नेशन में जाके कहता है कि नवाज शरीफ की एसी उतार रहे। आप किस किस्म के, आप किस माइंड सेट के लोग हैं? आप इक्तदार में थे, मुल्क का बेड़ा कर दिया, बाहर जाते हैं, धरने देते हैं, आपसे कंटेनर वाली सोच निकलती नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीरियस लोगों से बात होनी चाहिए, ये नहीं है कि नॉन सीरियस एटीट्यूड लेकर आप रिपब्लिक करते हैं। मुस्लिम किसी से मदद मांगी है, हमारा मतलब है कि पूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मिलकर मुल्क को क्राइसिस से निकाले। सियासी सर यानी कि नून लीग ने शौकत तरीन से मदद नहीं मांगी? बिल्कुल नहीं मांगी। हम चाहते हैं कि मुआशी जंग हमें मिलकर लड़नी चाहिए, सियासी जंग मैदान में लड़ेंगे ताकि लोगों को रिलीफ देकर लड़ेंगे। तो ये अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए इन्होंने जो फ्यूल के साथ ज्यादती की, जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, वो नाकाबले जुर्म है, नाकाबले माफी जुर्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद शैली साहब, सैनिक निसार खोड़ो साहब, फारूक सलीम साहब। ये था आज के प्रोग्राम का वक्त, मुझे कल सी टुमारो इंशाल्लाह। प्रोग्राम अल्लाह हाफिज़।